जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है, आपका आभार। और यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। आज हम बात करेंगे भगवान की कृपा के संकेत। बहुत से लोग ये बात पूछते हैं कि भगवान की कृपा के संकेत हम पर क्या होते हैं और क्या चीज़ें होती है। तो इन चीज़ों को आप जानकर आप जान सकते हैं कि आप पर ईश्वर की कृपा है या नहीं। पहली बात, ईश्वर की कृपा तो हर एक व्यक्ति पर है। हम उसे कितना मानते हैं, कितनी चीज़ों पर विश्वास रखते हैं, ये हमारे ऊपर है। आपकी आस्था कितनी है, श्रद्धा कितनी है, ये आपके ऊपर है। पहली बात, जब भी कभी इस तरह की कोई घटना या दुर्घटना आपके साथ घटित हो, तो उसका स्व आभास आपको हो जाता है। कई बार आपको चीज़ें एकदम से जो चीज़ करना चाहते हैं, मन में जो आपका फीलिंग है, वो ये बात कहती है कि ये नहीं करना चाहिए और हमें यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए, निकलना चाहिए। और आपको फिर पता लगता है कि उसी जगह पर कोई घटना हुई है। ये अक्सर लोगों के साथ होता है और ये चीज़ देखी भी गई है, और ये चीज़ शायद मुझे लगता है कि आपके साथ भी कभी न कभी जीवन में ज़रूर हुई होगी। तो अगर ये बात हुई है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखेंगे कि हाँ, ये बात हुई। दूसरी बात होती है ईश्वर की कृपा की, कि चाहे व्यक्ति का कोई कितना भी बुरा करना चाहे, लेकिन वो उन सभी झमेलों से इतने अच्छे से निकलता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और जो भी व्यक्ति उसके गलत करना चाहता है, उसका ही अहित होता है। ये बात अलग है कि अगर आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो खुद ही उसमें गिरोगे, लेकिन इनको यदि सब लोग भी घेरना चाहते हैं, इन्हें इन्हें इनका अहित करना चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति जाने अनजाने कभी भी इनका अहित नहीं कर सकता। और ये अनुभव आपने व्यक्तिगत तौर पर भी किए होंगे कि आपके दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाते, और वो सिर्फ इसलिए कि आप ईश्वर के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखते हैं, पूर्ण आस्था रखते हैं, और जिन भी देवी देवता में आप विश्वास रखते हैं, उनका नाम आप कमेंट्स में जरूर लिखें, क्योंकि उनकी कृपा, असीम कृपा, अनुकंपा के बदौलत ही हम जो है वो आज हैं। उसके सिवा यहाँ कुछ भी संभव नहीं है, ये आप चीज में। तीसरी बात है कि ऐसे लोग बड़े सकारात्मक होते हैं, ईश्वर की कृपा के सांकेतिक है, सकारात्मक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। चौथी बात है, वो लोगों की मदद करने में बहुत विश्वास रखते हैं। पांचवी बात है कि ऐसे लोग जो हैं वो भीड़ में अलग ही दिख जाएंगे आपको, जिन पर ईश्वर की कृपा है। बिल्कुल चिंता रहित रहते हैं, वो किसी बात की चिंता नहीं करते हैं। और सातवीं बात, छठवीं बात है कि वो अपने जो भी काम है, जो हो या ना हो, जो भी उपलब्धियां हैं, सभी ईश्वर को अर्पण कर देते हैं कि हे ईश्वर, अच्छा हो बुरा हो जो भी हो, सब आपको अर्पण है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। ये संकेत में से अगर कोई संकेत आपके पास है तो कमेंट्स में हम बताएंगे कि हमें ये संकेत हमें मिलते हैं। अब बात करते हैं कि अगर मान लो ये चीज़ें नहीं हैं तो क्या कर सकते हैं। पहली बात, सकारात्मक रहना आपके हाथ में। आप जितना सकारात्मक रहेंगे, जितना पॉजिटिव रहेंगे, उतना अपने माइंड के जो हॉर्मोन्स वो एक ऑरा निर्मित करते हैं और आपके इर्द गिर्द का पूरा वातावरण बड़ा सकारात्मक कर देते हैं। दूसरी बात है, हमेशा सही और सत्य जो है वो बोलें, जीवा पर रखें, क्योंकि अगर झूठ बोलने की आदत हो गई तो आप खुद से झूठ बोलेंगे, खुद को गलत फहमियों में रखेंगे और उसका खामियाजा आपको कभी ना कभी भुगतना पड़ेगा। तीसरी बात है, हमेशा मंदिर जाए, दर्शन करे और ईश्वर पर, शिव जी को जल चढ़ाए या जो भी देवी देवता का नाम ले। लाइक करे, शेयर करे, कमेंट्स करे। जय श्री महाकाल।